नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सही लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इसी में बात करने वाले हैं कि फिक्सा एलईडी ईजी सॉफ्टवेयर में डिजाइन कैसे बनाते हैं, और साथ में सीखेंगे कि इसमें कलर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिक्सा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि फिक्सा एलईडी ईजी सॉफ्टवेयर में डिजाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलईडी ईजी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। हमारा ओपन हो गया। और आप देख रहे होंगे कि हमारा एलईडी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो इसमें 50x30 का मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें 25x60 भी कर सकते हैं, 25x80 भी कर सकते हैं, 25x100 भी कर सकते हैं। आप चाहें कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा 50x30 का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। आप चाहें तो 50x30 का भी बना सकते हैं, 50x80 का भी बना सकते हैं। तो हाइट में जो हमारा हाइट है, हाइट में आप चाहें तो 75 LED भी कर सकते हैं, 25 LED भी कर सकते हैं। और जो हमारा विड्थ है, विड्थ का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म हो गया हमारा ये, और हमारे यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब अपने डिजाइन पे आ गए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा इंटरफेस खुल गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि इसमें डिजाइन कैसे बनाते हैं। फिर बाकी का आपको आगे मिलेगा कि इसमें नाम कैसे लिखते हैं और वगैरह, डबल लेयर की डिजाइन कैसे बनाते हैं और दो कॉलम में कैसे डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसको गौर से देखना आप, इसमें आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें कलर का ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, हमारे यहाँ पर कलर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कलर कैसे डालते हैं, तो कलर के आप लोग देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारे 10 कलर हो गए। ठीक है, अब 10 कलर हमारे ये हो गए, और 10 कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 10 कलर हो गए हमारे। रेड कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का हो गया। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 10 कलर हमारे टोटल हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको बताएंगे कि इसमें एक्शन कौन कौन से होते हैं एलईडी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मूविंग का, एक्शन का आप लोग देख रहे होंगे, तो एक्शन में आएगा मूविंग। मूविंग के बाद डिफ्यूज, डिफ्यूज में हमारा ऐसा होता है, और एक जो होता है ऐसा, और ये हमारा मूविंग टू हो गया, ऊपर आपकी ओर जाएगा और नीचे की ओर आएगा। ठीक है, आप कोई भी इस पे बना सकते हैं। सिमेट्री का मतलब हो गया बीच से हमारा ये खुलेगा और ये हमारा बंद भी होगा, और इससे ओपन ऊपर से होगा, नीचे से होगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्शन होते हैं, और एक डिजाइन बना के दिखाएंगे इसमें कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है। इंटरलेविंग का मतलब ये होता है हमारा, और साउंड का मतलब हो गया कि हमारे साउंड डीजे वगैरह में लगाना है, डांस फ्लोर में लगाना है, तो आप ये लगा सकते हैं। और वी शेप का मतलब हमारा ये हो गया, वी शेप का निकलेगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हमने एक्शन के बारे में तो बता ही दिया, अब डिजाइन बना के बताएंगे आपको। रैंडम का मतलब होता है कि आपका ये मिल मिलाएगा, जैसे रैंडम में आप विथ हमारी 10 हो गई और हाइट हमारी 10 हो गई, तो हमारी ब्लिंकिंग करेगा रैंडम में, तो ये हमारा हो गया। यह हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग डिजाइन बनाएंगे, ये एक डिफ्यूज वाली, ये हमारा डिफ्यूज वाली डिजाइन बन गई है। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट फ्रेम में लेंगे, 500 फ्रेम लेंगे, ये हमारे 500 फ्रेम हो गए। क्रिएट फ्रेम हो गए,
ये हमारे 500 फ्रेम हो गए, इसमें इसको हम सेव करेंगे। एक डिजाइन हमारी ये बन गई। इसको हम सेव करेंगे। आप चाहें तो ये इफेक्ट भी हमसे खरीद सकते हैं, आप चाहें तो फिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमसे खरीद सकते हैं। जैसे आपको एलईडी चाहिए, पॉलिसी चाहिए, कंट्रोलर वगैरह चाहिए, सारा कुछ हमारे पास से मिल जाएगा आपको। ये हमारी न्यू डिजाइन है, तो इसको यहाँ पर नंबर से सेव करेंगे, 68 से, 67 से सेव करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब आपको बता दें कि एक डिजाइन हमारी सेव हो गई, अब इसमें डिजाइन डिलीट कर देंगे ये वाली। अब हमारा अब ये वाली बनाएंगे हम। डिफ्यूज में हमारे 6 हैं ऑप्शन, कोई भी बना सकते हैं आप। ये हमारा हो गया, और इसमें हम ये हमारा हो गया डिजाइन वाली। इस डिजाइन में तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कौन कौन से एक्शन होते हैं। इसमें सिर्फ हम डिफ्यूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि एलईडी सॉफ्टवेयर में ट्रिपल लेयर और डबल लेयर कैसे बनाते हैं, और डांस फ्लोर का कैसे बनाते हैं, और गेट का भी बताएंगे आपको, गेट का भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा ये हो गया, तो इसको भी सेव कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा होगा कि इसमें कलर कैसे चूज़ करते हैं, और कैसे इसमें डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, इसमें सेव कर लिया हमने। अब आपको बता दें, आप चाहें तो ये इफेक्ट हमसे बने बना ले सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम करना सीखना है, आपको कुछ सीखना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।